मुझे तुझ पर नाज है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है कोल नाम के एक लड़के से, जो कि अपने भाई एलेक्स को हर जगह ढूंढ रहा था। एलेक्स को ढूंढते ढूंढते वो एक पार्टी में चला जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि एलेक्स बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और एक रूम में बंद है। ये सुनकर कोल एलेक्स को रूम से बाहर बुलाता है, लेकिन एलेक्स रूम के बाहर नहीं आता है। तब कोल रूम के डोर को तोड़कर एलेक्स को रूम से बाहर निकालता है और वो एलेक्स की बॉडी पर कुछ जख्मों को देखता है। यहाँ पर एलेक्स कोल को बता रहा था कि उनको उनके पिता हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उनके पिता को मरे कुछ महीने हो चुके थे। फिर अचानक एलेक्स हाइपर हो जाता है और अपने भाई कोल के ऊपर चाकू से हमला करता है। उस पार्टी में आए लोग कुछ समझ पाते हैं, उससे पहले कोल खुद के सर में चाकू को घुसा कर खुद की ही जान ले लेता है और इसी के साथ में ये सीन कट होता है। अब कहानी शुरू होती है कुछ दिन के बाद से, जहाँ पर हम मियाँ नाम की एक डिप्रेस्ड से दिखने वाली लड़की को देखते हैं, क्योंकि मियाँ की मामा की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी थी। उसकी माँ का नाम रेहा था, जिसकी मौत के बाद मियाँ डिप्रेशन में जा चुकी थी और हर समय वो अपनी माँ की वीडियोस को देखती रहती थी। ऊपर से मियाँ का रिलेशन अपने पिता के साथ में बहुत अच्छा नहीं था। तभी मियाँ को उसके फ्रेंड जेट का कॉल आता है, जो उसे अपने भाई रायली को फील्ड से पिकअप करने को कहती है और जेट की बात मानकर मियाँ रायली को पिकअप कर लेती है। जब दोनों घर आ रहे थे तो उन्हें सड़क पर एक एनिमल दिखाई देता है, जो कि बहुत ही जख्मी था और दर्द के मारे तड़प रहा था। रायली एनिमल हॉस्पिटल में कॉल करके उस एनिमल की हेल्प करना चाहती थी या फिर वो उसे मारकर उसका दर्द खत्म करना चाहती थी, लेकिन मियाँ कार लेकर वहां से चली जाती है। वो ना ही एनिमल की हेल्प करती है, ना ही वो उसे मारकर उसका दर्द खत्म करती है और इस बात से रायली मियाँ से नाराज होता है। अब घर आने के बाद मियाँ जेट से बात करती है। जेड अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ फोन पर चैट कर रही थी। डेनियल कुछ साल पहले मियाँ का भी बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन इस बात से मियाँ और जेड की दोस्ती पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। अब फिर मियाँ जेड को फोन पर एक वीडियो दिखाती है, जहाँ पर उनकी एक फ्रेंड एक पार्टी में पजेस हालत में दिखाई दे रही थी। दोनों ये सोच रहे थे कि ये सब बस एक नाटक है और ये लड़की लोगों का अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। मियाँ फिर भी उनके दोस्तों की इस पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन जेड को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी मियाँ उसे बताती है कि आज उसकी माँ की दूसरी डेथ एनिवर्सरी है और वो इस टाइम पर अकेले नहीं रहना चाहती है। वो पार्टी में जाना चाहती है ताकि उसे अपनी माँ की याद आए, और तब जेड मियाँ की बात मानकर पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जेड की माँ सू मियाँ को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और आज मियाँ की माँ की डेथ एनिवर्सरी की बात सुनकर वो मियाँ को काफी कम्फर्ट कर रही थी ताकि उससे अकेला महसूस न हो। कुछ देर के बाद में जेड अपनी माँ से पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है। सू भी उसे पार्टी में जाने के लिए परमिशन दे देती है, लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड डेनियल से दूर रहने को कहती है। यहाँ पर उनके साथ रायली भी पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन जेड उसे नहीं ले जाना चाहती थी। और तब रायली अपनी माँ को बताने वाला था कि जेड उसे आज पिकअप करना भूल गई थी, और तब अपनी माँ के डर से जेड रायली को भी पार्टी में ले जाती है। पार्टी में हम जेड के बॉयफ्रेंड डेनियल और उनके दोस्त हाइली जोस और कुछ लोगों को भी देखते हैं। हाइली मियाँ को देखकर खुश नहीं थी। वो जेड को भी बताती है कि वो मियाँ को अपने बॉयफ्रेंड डेनियल से दूर रखे, नहीं तो मियाँ डेनियल को उसे छीन लेगी। लेकिन जेड को अपनी दोस्ती पर पूरा यकीन था। अब उनकी पार्टी में हाइली और जोस एक बहुत ही फेमस गेम शुरू करते हैं और वो गेम था एक कटे हुए हाथ के जरिए घोस्ट से बात करना और घोस्ट को अपनी बॉडी में इन्वाइट करना। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि आजकल हाइली और जोस अपनी हर एक पार्टी में उस हाथ को लेकर जाते हैं और एक गेम अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं, जिसमें कैंडल जलाकर उस कटे हुए हाथ से हाथ मिलाकर टॉक टू मी कहना होता है, और तब उस हाथ मिलाने वाले पर्सन को एक घोस्ट दिखेगा। उस घोस्ट को उसे कहना होगा कम अंडर माई बॉडी, जिसके बाद में वो घोस्ट उस पर्सन की बॉडी में आ जाएगा। तभी हम उस लड़की को पार्टी में पजेस्ट देखते हैं। लेकिन इस गेम का एक रूल भी था कि 90 सेकंड से पहले उस हाथ को छोड़ना होगा और उस कैंडल को भी बुझाना होगा, तभी उस डेमोनिक दुनिया का डोर बंद होगा, नहीं तो वो घोस्ट इस दुनिया में उनके साथ ही रह जाएगा। मियाँ इस गेम के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, तो इसलिए सबसे पहले वही इस गेम को खेलने के लिए राजी होती है। हाइली कैंडल जलाती है और मियाँ उस हाथ से हाथ मिलाकर ये कहती है टॉक टू मी। मियाँ के ऐसा कहते ही मियाँ को एक बहुत ही भयानक आदमी का घोस्ट दिखाई देता है। उस घोस्ट को देखकर मियाँ बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो पैनिक करने लगती है। जेड अभी भी इन सबको एक नाटक समझ रही थी। फिर हाइली के समझाने पर मियाँ फिर से उस हाथ को टच करके टॉक टू मी कहती है, लेकिन इस बार उसे एक बहुत ही भयानक लेडी दिखाई देती है और अब मियाँ उस लेडी के घोस्ट को कहती है कम टू माई बॉडी, और तब उस लेडी का घोस्ट मियाँ के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद में मियाँ पजस्ट हालत में बहुत ही अजीब अजीब हरकत करने लगती है और वो डेनियल को देखकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही मियाँ के अंदर का घोस्ट ये कहता है कि वो रायली को खत्म कर देगा। अब 90 सेकंड खत्म होने वाले थे, तो इसलिए जोस मियाँ के हाथ से उस कटे हुए हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मियाँ उस हाथ को छोड़ ही नहीं रही थी।
अब उस रूम की सारी लाइटें फ्लक्चुएट हो रही थी और रूम के डोर भी अपने आप बंद हो रहे थे। किसी तरह जोस उस हाथ को 93 सेकंड के बाद मियाँ से अलग करने में कामयाब होता है। हैली कैंडल को बुझा देती है और ऐसा करते मियाँ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। सभी लोग पहले की ही तरह नॉर्मल हो जाते हैं और वे लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में रायली बहुत ही डर चुका था और इसलिए वो रात को अकेले सो नहीं पाता है। रायली अपनी बहन जेड के पास में सोना चाहता था लेकिन जेड उसे अपने रूम में अलो नहीं करती है और तब रायली मियाँ के साथ में हॉल में सोने के लिए चला जाता है। अब मियाँ और रायली एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और यहाँ पर मियाँ रायली से पूछने पर उसे बताती है कि उसकी माँ ने गलती से बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। उस दिन वो अपने रूम में सो रही थी और उसके पिता हॉल में सो रहे थे। सुबह उसकी माँ जब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी तब उसके पिता ने दरवाजे को तोड़कर उसकी माँ को रूम से बाहर निकाला, पर तब तक उसकी माँ की जान जा चुकी थी। उसके नाखूनों में दरवाजे की लकड़ी घुसी हुई थी और डोर पर भी उसके नाखूनों के खरोचने के निशान थे। मतलब कि मियाँ की माँ ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो हेल्प नहीं बुला पाई और इसी बात से मियाँ डिप्रेशन में आ चुकी थी। पर आज इस घोस्ट गेम को खेलने के बाद में मियाँ को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी, जैसे कि अब वो कुछ भी फील नहीं कर रही हो। अब बातें करने के कुछ देर के बाद दोनों सो जाते हैं लेकिन यहाँ पर हम रायली के पीछे एक डेमोनिक हाथ को देखते हैं, जैसे कि उस गेम से कोई घोस्ट बाहर निकल कर आ चुका हो। अगले दिन जेड हाइली को अपने घर पर बुलाती है उसी गेम को खेलने के लिए, क्योंकि डेनियल को यह गेम ट्राई करना था। और उसी दिन जेड की माँ सू भी रात को ड्यूटी पर जाने वाली थी और वो जेड के घर पर ही पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी सू को ये नहीं बताता है कि वे लोग रात को क्या प्लान कर रहे हैं। फिर रात को सू के जाने के बाद में सभी लोग जेड के घर पर इकट्ठा होते हैं और इस बार जोस उन सभी को बताता है कि ये हाथ किसी ओझा का था और वो ओझा घोस्ट से बात कर सकता था और उसके बनने के बाद लोगों ने उसका हाथ काट कर उसे प्लास्टर कर दिया, जिसके बाद में घोस्ट से बात करने के लिए ये हाथ यूज होने लगा। और जोस को ये हाथ उसके किसी दोस्त से मिला था, पर हाइली का ऐसा कहना था कि जिस किसी भी इंसान का ये हाथ था वो डेमन की पूजा किया करता था तो इसलिए वो घोस्ट से कनेक्ट कर पाता है और उस पर्सन का दूसरा हाथ अभी भी कहीं गायब है। फिर डेनियल ये घोस्ट गेम खेलने के लिए आगे आता है, जिसके बाद में वो किसी घोस्ट के पोजीशन में आ जाता है। पजेस स्टेट में डेनियल मियाँ की तरफ देखकर सबके सामने मास्टरबेट करता है और वो जेड के डॉग को भी किस करता है। पर जैसे गेम खत्म होता है तो डेनियल को इन सबसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है और बाथरूम में चला जाता है और कुछ ही देर में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब एक के बाद एक सभी लोग उस गेम का हिस्सा बनते जा रहे थे। सभी के लिए खतरनाक गेम एक नॉर्मल गेम बन चुका था, जिससे कि रायली को भी अब इस गेम से कोई डर नहीं लग रहा था और रायली भी अब इस गेम को खेलने की जिद करने लगता है। पर रायली बहुत ही छोटा था तो इसलिए जेड उसे इस गेम को खेलने नहीं देती है, जिस पर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और जेड गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। तब रायली मियाँ से वो गेम खेलने के लिए परमिशन मांगता है और मियाँ उसे मना भी नहीं कर पाती है, लेकिन मियाँ सिर्फ 50 सेकंड के लिए उस गेम को खेलने के लिए परमिशन देती है। फिर इसके बाद में हाइली कैंडल जलाती है और रायली गेम को खेलना शुरू करता है। कुछ ही देर में रायली एक घोस्ट के पोजीशन में आ जाता है और अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहीं से मियाँ की माँ की आत्मा रायली के अंदर आ जाती है जो कि मियाँ से बात कर रही थी। 50 सेकंड पूरे हो गए थे लेकिन मियाँ अपनी माँ के घोस्ट से बात करने में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसे टाइम का पता नहीं चलता है और 90 सेकंड से भी ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि रायली के अंदर का घोस्ट रायली के सर को हर जगह से मार मार कर उसे जख्मी कर देता है। वो घोस्ट रायली की आंखें भी निकालने वाला था लेकिन किसी तरह मियाँ रायली को कंट्रोल कर लेती है और जोस भी उस हाथ को रायली से अलग करता है। लेकिन इसी दौरान वे लोग कैंडल को बुझाना भूल जाते हैं। जेड अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी और जोस और हाइली भी अब बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि अगर पुलिस केस हुआ तो दोनों ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि इस गेम को उन दोनों ने ही शुरू किया था। मियाँ भी इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में थी और वो बाथरूम में जाकर रायली के खून से सने अपने हाथों को धोने लगती है। उसी समय मियाँ को अपनी माँ का घोस्ट नजर आता है। दूसरी तरफ वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी जो कि पार्टी में मौजूद सभी लोगों का बयान ले रही थी। वो रायली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जेड से रायली की इस हालत के बारे में सुनकर सू उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि उसके घर से जाते ही बच्चे इतना खतरनाक काम करने लगेंगे। दूसरी तरफ मियाँ अपने फादर मैक्स के साथ घर आ चुकी थी। मैक्स मियाँ से बात करना चाहता था पर मियाँ मैक्स कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मियाँ हमेशा से ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानती थी। उसके बाद मियाँ खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मियाँ उस हाथ को अपने साथ में अपने घर पर ले आई है और वो अब अपनी माँ के साथ में बात करना चाहती थी। इधर हम देखते हैं कि मियाँ अब हॉस्पिटल जाती है रायली को देखने के लिए, लेकिन सू मियाँ को उसके पास भी नहीं आने देती है। सू और जेड मियाँ को ही रायली की इस हालत का जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि मियाँ ने ही रायली को उस गेम को खेलने के लिए परमिशन दी थी। फिर अचानक मियाँ को हॉस्पिटल में अपनी माँ का घोस्ट दिखाई देता है
और अपनी माँ के घोस्ट का पीछा करते हुए मिया हॉस्पिटल के बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी माँ की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर मिया को कोई भी नहीं दिखाई देता है। अपनी माँ की आवाज सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी, तो इसलिए डैनियल मिया को घर छोड़ने के लिए जाता है। मिया बहुत ही परेशान थी, तो मिया की रिक्वेस्ट करने पर डैनियल उस रात के लिए मिया के घर पर रुक जाता है। अब घर में जाने के बाद में मिया डैनियल को फिर से उस गेम को खेलने के लिए पूछती है, लेकिन डैनियल अब इन सबसे दूर रहना चाहता था और वो मिया को भी एडवाइस देता है कि वो भी इस गेम से दूर रहे। डैनियल के मुताबिक ये गोस्ट उनके डर को जानकर उन्हें कमजोर कर रहे थे और फिर दोनों सो जाते हैं। रात को डैनियल तो सोया हुआ था, लेकिन मिया अपनी माँ की वीडियोस को देख रही थी। ऐसे धीरे धीरे मिया को नींद आ जाती है और कुछ देर के बाद में उसे ऐसा सपना आता है कि वो और डैनियल एक दूसरे के करीब आ गए हैं और रूम के बाहर उसकी माँ को उसके पिता बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी माँ जिंदा नहीं बच पाती है। अगले पल में मिया अपने हाथों को रायली के खून से सना हुआ पाती है। तभी मिया नींद से उठ जाती है और उस समय रूम में उसको एक लेडी का घोस्ट दिखाई देता है, जो कि डैनियल के पास में आकर डैनियल के पैरों को चाट रही थी। लेकिन जब डैनियल होश में आता है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि मिया ही उसका पैर चाट रही थी। इस बात से डैनियल को लगता है कि मिया उसके पास में आने की कोशिश कर रही है और वो मिया से नाराज होकर वहां से जाना चाहता था। उसके जाने के बाद मिया बहुत ही अकेला फील कर रही थी और उसी अकेलेपन में मिया उस गेम को फिर से खेलने के लिए बैठ जाती है, लेकिन इस बार वो गेम को शुरू करके अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रही थी। तब मिया को उसकी माँ एक बहुत ही भयानक रूप में दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि वो मिया को छोड़कर अब कभी नहीं जाएगी और उसे रायली की हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद मिया अपनी माँ के घोस्ट को हक करके और उसी हाथ को पकड़कर सो जाती है। फिर अगले दिन सू और जेड रायली को हॉस्पिटल में नहला रहे थे। सू जब कुछ काम के लिए बाथरूम से बाहर जाती है तो जेड रायली से बात करने की कोशिश करती है। अचानक रायली हाइपर हो जाता है और जेड के हाथ पर काट लेता है। फिर वो खुद के सिर को दीवार पर मारने लगता है और उसके सर से जो खून निकल रहा था, रायली उस खून को चाट रहा था। रायली को देखकर हम समझ पाते हैं कि रायली पोजीशन से बाहर नहीं निकला था। तभी वहां पर नर्स और सू आकर रायली को संभालते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में जेड बहुत ज्यादा डर चुकी थी, तो इसलिए उस दिन वो अपने दोस्तों से मिलकर रायली की ऐसी हालत के बारे में बताती है। तब यहाँ पर मिया भी उन्हें बताती है कि उसे आजकल घोस्ट दिखाई दे रहे हैं। तभी डैनियल सभी के बीच में ये बता देता है कि मिया किस तरीके से उसका पैर चाट रही थी और इन बातों से सभी लोग समझ चुके थे कि वो घोस्ट अब उनकी दुनिया में आ चुके हैं। जोश यहाँ पर सभी को बताता है कि ये हाथ पहले एलेक्स के पास में था, जो ये गेम खेला करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे इस हाथ के बिना ही घोस्ट दिखाई देने लगे थे। वो घोस्ट किसी का भी रूप लेकर किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते थे। तब उसने ये हाथ जोश को दिया था और उसके कुछ दिनों के बाद में एलेक्स पागल हो गया और उसने अपने भाई कोल पर हमला कर दिया, फिर खुद को भी जान से मार लिया। और असल में एलेक्स और कोल वही थे जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। अब प्रेजेंट में सभी लोग एलेक्स के भाई कोल से मिलने जाते हैं। कोल जोश से नफरत करता था क्योंकि सब कुछ जानकर भी जोश अभी भी इस गेम को दूसरे लोगों के साथ में खेल रहा था और सभी की जान को खतरे में डाल रहा था। कोल तो उनसे बात तक नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मिया और जेड उसे रैली की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो कोल उन्हें ये कहता है कि उन्हें जल्दी ही रायली की बॉडी से उन घोस्ट को निकालना होगा, नहीं तो रायली उसके भाई एलेक्स की तरह मारा जाएगा। अब इस बात से जेड और बाकी के सभी लोग मिया को ही ब्लेम कर रहे थे। मिया अपनी माँ के घोस्ट से बात करने के लिए इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई कि उसने रायली को 90 सेकंड से ज्यादा टाइम तक गेम में ही रहने दिया और ऊपर से मिया डैनियल के करीब आने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मिया उन्हें एडवाइस देती है कि उन्हें फिर से रायली के साथ में उसी गेम को खेलकर इस बार कैंडल को बुझाकर उस स्पिरिट को वापस उसी दुनिया में भेजकर वहां का दरवाजा बंद करना चाहिए। उन्होंने पिछली बार कैंडल को नहीं बुझाया था, तो इसीलिए आत्माओं की दुनिया का दरवाजा बंद नहीं हुआ था और सभी घोस्ट एक के बाद एक बाहर आ चुके थे। सभी लोग आखिरी बार मिया की बात मानकर रायली के लिए उस गेम को शुरू करते हैं। डैनियल कैंडल जलाता है और मिया उस हाथ को रायली के हाथ में रखती है, लेकिन इस बार कुछ भी हरकत शुरू नहीं होती है। और तब रायली के लिए मिया खुद उस हाथ को पकड़कर गेम को शुरू करती है। मिया को तब एक छोटी सी बच्ची का घोस्ट दिखाई देता है और उस बच्ची के घोस्ट से बात करने पर वो मिया को दिखाती है कि रायली कहाँ पर है। असल में रायली की बॉडी को दूसरे स्पिरिट ने अपने कब्जे में रखा हुआ था और रायली की स्पिरिट बहुत सारी आत्माओं के साथ में एक नरक जैसी जगह में फंसी हुई थी, जो कि रायली की स्पिरिट को हर पल टॉर्चर कर रहे थे। ये सब देखकर मिया को रायली के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसने भी अब ये सोच लिया था कि वो रायली की स्पिरिट को उस नरक से वापस उसकी बॉडी में लेकर आएगी। उसके बाद में मिया जब घर पर आती है तो उसके पिता मैक्स उसे उसकी माँ का लेटर देते हैं, जो कि उसने मरने से पहले लिखा था, और उस लेटर के मुताबिक मिया की माँ ने खुद की मर्जी से अपनी जान ली थी। मिया इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी कि उसकी माँ
अपनी जान ले सकती है, क्योंकि उसकी माँ के घोस्ट ने भी उसे बोला था कि उसने खुद की जान नहीं ली है। तभी मियागो अपने रूम में अपनी माँ का घोस्ट नजर आता है और वो उनसे बात करने के लिए चली आती है। और ये घोस्ट मियागो बोल रही थी कि उन्होंने अपनी जान नहीं ली है, मियागो के पिता ने उनकी जान ली है और अब वो मियागो भी जान से मार दे, उससे पहले मियागो ही मैक्स को जान से मार देना चाहिए। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि मिया अपनी माँ से नहीं बल्कि अपनी माँ के जैसा दिखने वाले किसी दूसरे घोस्ट से बात करी है और वो घोस्ट मिया को बहका रहा है। तभी एक घोस्ट मिया के फादर का रूप लेकर मिया पर अटैक करता है और उसी समय मिया की आवाज सुनकर मिया के असली पिता उसके पास में आते हैं और गलती से मिया अपने पिता मैक्स के गले में कैंची घुसाकर उन पर अटैक कर देती है और मैक्स कैंची के हमले से बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। सीन कट होता है और अगले दिन मिया जेट को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है और मिया जेट को कहती है कि उसके घर आने के बाद ही उसे पता चलेगा कि रायली को कैसे बचाया जाए। तब मिया की बात मानकर जेड मिया के घर पर आती है, लेकिन उल्टा मिया रायली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी, जहां पर सू मिया से माफी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए और उसे अब मिया पर भरोसा है कि वो रायली को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। जब वो सू रूम से बाहर जाती है तो मिया रायली से बात करने की कोशिश कर रही थी। तब मिया को रायली की जगह एक बहुत ही भयानक घोस्ट दिखाई देता है जिसके बॉडी से ब्लैक कलर का यूरिन निकल रहा था। मिया उस घोस्ट को मानना चाहती थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उस घोस्ट को खत्म कर देगी तो रायली पहले की ही तरह नॉर्मल हो जाएगा। वो घोस्ट भी मिया को बार बार बहका रहा था कि वो उसे मार डाले और अगर मिया ऐसा करती तो उसके हाथों कोई घोस्ट नहीं बल्कि रायली मारा जाता। फिर मिया को हॉस्पिटल में वही मरा हुआ एनिमल नजर आता है जिसकी उसने हेल्प नहीं की थी और उन स्पिरिट का यही प्लान था कि वो रायली को मिया के हाथों मरवा कर पूरी तरीके से रायली की स्पिरिट को अपने साथ में ले जाए। इधर जेट को मिया उसके घर पर नहीं मिलती है और अंदर रूम में जेड को मैक्स जख्मी हालत में दिखाई देता है और तब जेड एम्बुलेंस को कॉल करके मैक्स को हॉस्पिटल में भेज देती है, जिसके बाद में जेड को अपनी माँ से पता चलता है कि मिया रायली के साथ में है। जेड अपनी माँ को फौरन रायली के पास में जाने को कहती है क्योंकि अब जेड भी समझ चुकी थी कि मिया पूरी तरीके से उन घोस्ट के पोजेशन में आ चुकी है जो कि रायली को हार्म कर सकती है। लेकिन सू जेड को बताती है कि मिया रायली को लेकर कहीं पर गई है। जेड तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसे मिया रोड की तरफ रायली को लेकर जाते हुए दिखाई देती है। जेड मिया को आवाज लगा रही थी लेकिन मिया नहीं रुकती है और आगे बढ़ती रहती है। मिया को ऐसा लग रहा था कि रायली ही घोस्ट है तो इसीलिए वो उसे आती जाती कारों के बीच में रोड पर ही फेंकना चाहती थी। फिर पीछे से मिया की माँ का रूप लेकर एक घोस्ट मिया को बहका रहा था कि वो रायली को जान से मार डाले, लेकिन एंड मोमेंट पर मिया को रियलाइज होता है कि वो मिया की माँ नहीं बल्कि कोई घोस्ट है और वो उन सबकी बात को इग्नोर करके रोड के ऊपर जंप लगा देती है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मिया रोड से उठकर देखती है कि रायली जेट के पास में था। अब जब मिया हॉस्पिटल में जाती है तो वहां पर उसे रायली बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था और उसके पिता भी अब ठीक थे। मिया सभी को आवाज लगा रही थी पर कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, वो सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और मिया अपने लोगों को आवाज लगा रही थी। तभी मिया को एक लाइट दिखाई देती है जहाँ से कोई पर्सन उसके लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है। मिया उस हाथ को पकड़ लेती है जो उसे टॉक टू मी कहता है, जिसका मतलब साफ था कि मिया अब जिंदा नहीं है और कोई दूसरा आदमी उस कटे हुए हाथ के जरिए गेम को खेल रहा है और मिया को बात करने के लिए बुला रहा है। तो अब हुआ यूं था कि एंड मोमेंट पर मिया घोस्ट की बातों में नहीं आती है और रैली को बचाने के लिए वो खुद की जान दे देती है और यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट हुआ था उसमें मिया मारी जाती है। मिया अपनी स्पिरिट को सेक्रीफाइस करके रैली की जान बचा लेती है और रैली अब फिर से नॉर्मल हो जाता है। मिया अब आत्माओं की दुनिया में फंस चुकी थी तो इसलिए कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था। और आपको याद ही होगा कि हायली ने कहा था कि उस ओझा का दूसरा हाथ दुनिया के किसी और कोने में है और वही लोग उस दूसरे हाथ से टॉक टू मी गेम खेल रहे थे, तो इसलिए मिया को लाइट से किसी का हाथ आता हुआ दिखाई दिया था और यही उन्ही लोगों का हाथ था जो की इस गेम को खेल रहे थे और वो लाइट गेम में यूज की गई कैंडल की लाइट थी। मिया भी अब दूसरे लोगों के लिए उस गेम की एक घोस्ट बन चुकी थी और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, जो मूवी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की, इस मूवी का नाम था टॉक टू मी। ये मूवी एक ऐसी लड़की के ऊपर बेस्ड है जो कि अपनी माँ की मौत के बाद में डिप्रेशन में जा चुकी थी। वो अपने दोस्तों के साथ में गेम खेलती है जिसमें कटे हाथ के जरिए वो घोस्ट से बात करती है। उस गेम को 90 सेकंड के अंदर खत्म करना था, लेकिन जेड का भाई रैली जब उस गेम को खेलता है तो उसके अंदर मियाँ की माँ का घोस्ट आ जाता है और मियाँ अपनी माँ से बात करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि रैली पूरी तरीके से घोस्ट के पोजीशन में आ जाता है। पर मूवी के एंड में हमने देखा कि मिया ने रायली की जान बचाने के लिए अपने सोल को सेक्रीफाइस कर दिया और अब वो खुद एक घोस्ट बन चुकी थी। आई होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।